हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना स्टडी चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल पर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिजीजेस को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा था, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल जाए, और नॉन इन्फेक्शियस मतलब वो ना फैले, एक पर्सन तक ही, एक आदमी तक ही सीमित रहे। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस में हमने पढ़ा बहुत सारा इसका एग्जांपल, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीजेस हो गए, वायरल डिजीजेस हो गए जैसे कोविड अभी चल रहा है, फंगस डिजीजेस हो गए जैसे रिंग वॉर्म्स, दांत खाज खुजली जिसे कहते हैं। ठीक है, और कुछ अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस की हम बात करें, हमने एड्स के बारे में पढ़ा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो कि एचआईवी वायरस से होता है। और कुछ अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस देखें तो दो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो हम कॉमनली सुनते हैं, बहुत डेंजरस हैं पर कॉमन भी हैं। तो एक तो होता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बहुत डेंजरस डिजीज है, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जो अगर सिंपल देखा जाए, सिंपली इसे पढ़ा जाए, तो मलेरिया कौन कराता है? प्लाज्मोडियम। हमने डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ग्रुप का ये मेंबर है प्लाज्मोडियम, और यही क्या कराता है? मलेरिया। पर इसका वेक्टर, मलेरिया किसे होता है? ह्यूमन को होता है, ह्यूमन। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम है वो सीधा ह्यूमन के अंदर नहीं आता है, वो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एक आवागमन की साधन के रूप में मॉस्किटो को यूज करता है। किसे यूज करता है? एक मच्छर को। ठीक है, मॉस्किटो को यूज करता है किस रूप में? ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में। ये प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में आता है, फिर मॉस्किटो से ह्यूमन में जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये एक वेक्टर का काम करता है। मॉस्किटो किसका काम करता है? वेक्टर। वेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया किस क्या काम करता है, एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। वेक्टर काम करता है ट्रांसपोर्ट में, और यहां पर इस केस में ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसपोर्ट कराता है ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में जैसे ही प्लाज्मोडियम आता है तो वो रेड ब्लड आरबीसी में जाता है, आरबीसी से लीवर में जाता है, और फिर अपना सिम्टम जो बीमारी के सिम्टम्स है उसको दिखाता है। सिम्टम बीमारी के क्या क्या है? फीवर, ठीक है, चिल मतलब ठंड लगना, और हमेशा हर 3 से 4 दिन में ऐसा लगता है। ठीक है, और हेडेक होगा, सर दर्द देता है इसमें, तो ये है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? मलेरिया का प्रिवेंशन ये हो सकता है कि जहां मच्छर पनपे, क्योंकि मॉस्किटो ही वेक्टर है, तो मेन कॉज इसका क्या है? मॉस्किटो। तो जहां मच्छर का ब्रीडिंग ग्राउंड है या जहां वो रहते हैं उन्हें खत्म किया जाए। तो मच्छर रहते कहां है? रुके हुए पानी में। ठीक है, अगर फ्लोइंग वाटर है तो उसमें नहीं रहते हैं, रुके हुए पानी में वो अपने अंडे देते हैं। तो ये एक मेजर हो सकता है कि हम उन रुके हुए पानी में उनके तादाद को बढ़ने से, आबादी को बढ़ने से रोके। तो कभी कभी केरोसिन का छिड़काव होता है जिससे उनके लार्वा बड़े ना हो पाए, और या एक फिश आती है गैम्बूजी, उसे पानी में डाल दें, वो मॉस्किटो के लार्वा को ही खाती है ये फिश। ठीक है, या सोते समय मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, हमेशा अपने घर के आसपास कभी पानी को जमा ना होने दें। तो ये इसका प्रिवेंशन है। और ट्रीटमेंट फिर मेडिकल दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट होता है, सावधानी बरतनी पड़ती है बहुत। ठीक है, अगला डिजीज एक और हम देख लेते हैं इंफेक्शियस डिजीज, वो है डेंगी। बहुत सारे लोग इसको डेंगू बोलते हैं पर इसका असली प्रोनंसिएशन है डेंगी। तो डेंगी फीवर या इसको बोलते हैं ब्रेक बोन, क्योंकि हड्डियों के टूटने जितना दर्द इसमें होता है, तो इसे कहा जाता है ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, ये वायरस से होता है। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता था, प्लाज्मोडियम, ये वायरस से होता है। ठीक है, और इसको कैरी कौन कराता, मतलब वेक्टर इसमें है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। देखिए, खून चूसने वाली हमेशा फीमेल ही होती है। ठीक है,
मॉस्किटो में, मॉस्किटोज में जो मेल होते हैं, मेल वो बहुत सीधे होते हैं, वो क्या करते हैं सिर्फ फ्लावर्स से नेक्टर लेते हैं, फ्लावर्स से नेक्टर लेते हैं, ठीक है, या वो ओमनी सॉरी हर्बीवोर होते हैं, प्लांट से फ्लावर्स से नेक्टर लेते हैं, पर फीमेल जो होती है वो आप कह सकते हैं सैंग्वीवोर होती है। सैंग्वीवोर मतलब वो जो खून पिए, तो फीमेल्स खून पीती हैं, मेल्स सीधे साधे होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो डेंगू फीवर का में वेक्टर का काम करती है, और होता किससे है, वायरस से होता है, ब्रेक बोन फीवर है। इसका सिम्पटम यह है कि आपको दर्द होगा, पेन, हेडेक, पूरे बॉडी बॉडी पेन और हेडेक, बॉडी पेन, हेडेक, वॉमिटिंग आएगी, वॉमिटिंग, ठीक है। और इसका एक सिम्पटम मेन है, डेंगू का एक मेन सिम्पटम कहा जाता है प्लेटलेट। हमने पढ़ा है ब्लड में कौन कौन से क्या क्या होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। तो इस डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट जो है, ब्लड में जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये डेंगू फीवर के बारे में हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचा कैसे जा सकता है, मतलब बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या है। तो ये कि इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो हम ये देख सकते हैं आइसोलेशन। मान लीजिए किसी पर्सन को हुआ, ठीक है, तो उसे आइसोलेट किया जाए, सोशियली आइसोलेट नहीं, फिजिकली आइसोलेट। सोशियली तो उसे बूस्टअप करना है, उसका मोरल हाई रखना है कि आप लड़ सकते हैं, आप बच सकते हैं, लेकिन उसे आइसोलेट करना है नॉट सोशियली बट फिजिकली, फिजिकली, ठीक है, फिजिकली आइसोलेट करना है। जैसे अभी कोरोना, कोरोना को रोकथाम के लिए सबसे बड़ा अभी हमारे पास क्या उपाय है, क्वारंटीन या लॉकडाउन। वो क्यों करा जा रहा है, क्योंकि ये फिजिकली आइसोलेशन हो, एक लोग आदमी से दूसरे आदमी में ना फैले, फिजिकली आइसोलेट हो, जिसके कारण कोरोना ना फैले और उसके रोकथाम में मदद मिले, ठीक है। एक तो ये हो गया। और मान लीजिए हो जाता है किसी को, तो आइसोलेशन है, और क्या करें कि वो हो ही ना, तो उसके लिए क्या है, प्रिवेंशन मेथड्स हैं। जैसे कि कोई डिजीज है, जैसे मलेरिया है, पहले बताया मैंने मॉस्किटो से फैलता है, तो ऐसा उपाय किया जाए कि वो मॉस्किटो ही ना रहे, तो मॉस्किटोज के ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म किया जाए, मॉस्किटोज के ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ब्रीडिंग ग्राउंड्स को खत्म किया जाए, ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स को खत्म किया जाए, ठीक है। नेट्स का इस्तेमाल किया जाए सोते समय, क्लीन रखा जाए अपना एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट मतलब इस पानी कहीं जमने ना दें, हमेशा चेक करते रहें अपने लोकेलिटीज को, ठीक है। और फूड और वाटर जब कोई आदमी ले तो बहुत कॉन्शियस होके ले, ठीक है। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, जैसे हमने पढ़ा टाइफाइड, टाइफाइड में क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ उसके जो भी बैक्टीरिया है वो निकलते हैं, और वाटर और फूड को कंटेमिनेट, गंदा करते हैं, वही वाटर और फूड जब किसी दूसरे ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसे वो बीमारी हो जाती है। तो वाटर और फूड पर विशेष ध्यान दें, उन्हें साफ सुथरा फूड और वाटर ग्रहण करें, मतलब लें, ठीक है। और जागरूकता फैलाएं, लोगों को डिजीज के बारे में पता चले, कैसे ट्रांसमिट होता है, एकदम अच्छे साइंटिस्ट के लेवल पे नहीं कि हम डेंगू मलेरिया के बारे में एकदम पूरा PhD करने बैठ जाएं, पर एक बेसिक नॉलेज हो कि लोगों को समझ में आए कि हाँ ये करने से ये डिजीजेस रुक सकती हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। अब इन्हीं डिजीजेस का ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट तो वो मेडिकल साइंस पर है कि क्या वैक्सीन, जैसे कोरोना के लिए वैक्सीन दी गई है, हो सकता है आने वाले समय में कोरोना की दवाई भी आए, अभी तो दवाई लोग खिला रहे हैं, पर वो एक्यूट कोरोना वायरस के लिए नहीं, वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वैक्सीन भी यही काम करता है। तो ये मेडिसिनल बायोलॉजी का पार्ट है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। और फिर आगे देखें तो हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना जाए, वो क्या होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस,
उसमें एक सबसे बड़ा हेडिंग है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कैंसर, ठीक है। कैंसर वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीजेज है ह्यूमन बींग का, है ना, करोड़ों लोग हर साल इससे मरते हैं। तो कैंसर में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि सेल, सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, सेल जो डिवाइड करता है वह एक से दूसरा, माइटोसिस या मियोसिस, एक से या तो चार बनेंगे या एक से दो बनेंगे। तो ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन वो रेगुलेटेड होता है, हाईली रेगुलेटेड, मतलब बहुत बारीकी से उसे रेगुलेट किया जाता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी उसे चेक किया जाता है कि डिवीजन कहीं ज्यादा हो ना जाए या कहीं कम ना हो जाए, एकदम एक्यूरेट डिवीजन किया जाता है। पर कैंसर जब होता है तो सेल्स रेगुलेशन खो देते हैं। जैसे कि एक टिश्यू है, मान लीजिए ये टिश्यू है, उसमें सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स हैं। अब ये सेल मान लीजिए डिवाइड कर रही है, ये एक सेल है, इसने माइटोसिस किया लेट्स से, तो ये एक सेल बनाएगी, मान लीजिए दो सेल बनाएगी माइटोसिस में, इस सेल ने माइटोसिस किया तो डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी। जब माइटोसिस के बाद ये सेल नहीं डॉटर सेल बनी, ये जैसे ही इस सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, डिवीजन रुक जाएगा। जैसे ही इस सेल से ये कांटेक्ट में आएगी डिवीजन रुक जाएगा, इसे कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या कहते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन, मतलब दूसरे सेल से टच होने पर ही क्या होता है, सेल डिवीजन रुक जाता है, इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो ये क्या है, सेल डिवीजन को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म है। और सेल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो कि सेल डिवीजन रोकते हैं, जितना जरूरत है उतना सेल डिवीजन होता है फिर वो रुक जाता है। पर जब कभी कैंसर होता है किसी को, तो ये जो रुकने की प्रक्रिया है सेल डिवीजन, वही ब्रेकडाउन हो जाती है और यही सेल डिवाइड करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। तो कैंसर सेल है एबनॉर्मल मास इन टिश्यू, एबनॉर्मल मास मतलब ऐसा टिश्यू जो डिवाइड करते ही जा रहा है, करते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये भी सोच सकते हैं ये तो अच्छी बात है, डिवाइड कर रहा है वो टिश्यू बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा तो अच्छा होगा। पर ऐसा नहीं होता है, जब कैंसर सेल को भी टिश्यू जितना उसका डिवीजन का कैपेसिटी है उससे ज्यादा डिवाइड कर जाएगा, तो वो अपने आसपास वाले टिश्यू, जैसे ये मान लीजिए कैंसर टिश्यू बन गया ये टिश्यू, और ये डिवाइड करते जा रहा है, करते जा रहा है। भाई डिवाइड करने के लिए भी तो इसे न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, तो बॉडी जितना भी फूड ले रहा है ये यही टिश्यू पूरा फूड कंज्यूम कर जा रहा है, और इसके आसपास के टिश्यू जो हैं, आसपास के सेल हैं, फिर वो भूखे रह जा रहे हैं, उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, और सिर्फ कैंसर टिश्यू ही बढ़ते जा रहे हैं और बाकी आसपास के टिश्यू खराब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। तो बॉडी में ये क्या करता है, साइड इफेक्ट पैदा करता है, बहुत सारे सिम्टम पैदा करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, कैंसर। कैंसर है एबनॉर्मल मास ग्रोथ या अबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ इन बॉडी, ठीक है, टिश्यू या इन बॉडी कर दें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एबनॉर्मल मास ग्रोथ या एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ इन बॉडी, उसे कहा जाता है कैंसर। कैंसर करने के बहुत सारे, मतलब कैंसर होने के बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर, आपके जीन्स, किसी ह्यूमन में जीन्स ही ऐसे हैं कि उसे कैंसर हो जाए, या केमिकल फैक्टर, जो इंक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो क्या कर कैंसर कॉज करते हैं, बेंजीन एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक, इंक है, रेडिएशन है, सन से जो यूवी लाइट की रेडिएशन आती है वो भी कैंसर कॉज करती है, ठीक है। टोबैको, टोबैको में ऐसे केमिकल्स कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, या जो सिगरेट पीते हैं और अल्कोहल, ये सब क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। ट्रीटमेंट, कैंसर का ट्रीटमेंट तीन तरीके से हो सकता है, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, थेरेपी मींस ट्रीटमेंट, और सर्जरी, ठीक है।
तो रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन, यूवी रेडिएशन से जो भी कैंसर सेल या कैंसर मास बन रहा है बॉडी में उसे खत्म किया जाए। कीमोथेरेपी, दवाई दी जाए जिससे वो टिश्यू खत्म हो और बाकी स्टेटिव टिश्यू सही रहे। और सबसे लास्ट में है जो एबनॉर्मल मास का टिश्यू है उसे ही सर्जरी करके काट के बॉडी से निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया कैंसर के बारे में। एक और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है जो हम एक बार पढ़ लेते हैं, वो है डायबिटीज। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले भी आपको बता चुका हूं जब हम हेडिंग पढ़ रहे थे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का। तो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज क्या है? बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाना, नॉर्मल से ज्यादा हो जाना। ठीक है, डायबिटीज दो तरीके के होते हैं। एक तो ये ग्लूकोज लेवल का हो गया, इसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, और एक और होता है, वो होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि यूरिनेशन बहुत बढ़ जाता है, ह्यूमन जो यूरिन पास करता है उसका अमाउंट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और एक ये है डायबिटीज मेलिटस जिसमें बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो पहले इसे देखते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है, बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि एक इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या कराता है बॉडी के सेल, जैसे बॉडी का सेल है और हम जो फूड लेते हैं वो सबसे आखिरी उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, जो भी हम खाएंगे वो आखिरी में बॉडी में जाकर सबसे आखिरी में बनाता है ग्लूकोज। ठीक है, C6H12O6, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। जो भी हम खाएंगे वो बॉडी में आखिरी में जाकर क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या काम आता है, सेल इसी को फूड के तौर पर लेते हैं और अपना बाकी सब काम जो भी काम है वो करते हैं, डिवीजन हो, लिविंग एक्टिविटी हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, वो ग्लूकोज से ही होता है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, इंसुलिन। इंसुलिन काम करता है तभी ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाता है। आप समझ सकते हैं ये एक तरह का वेक्टर है, एक तरह का वेक्टर है, वो क्या करता है ग्लूकोज का एंट्री कराता है सेल के अंदर और फिर ग्लूकोज को सेल क्या करता है कंज्यूम करके अपना एक्टिविटी करता है। डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा या इंसुलिन का असर खत्म हो जाएगा। दोनों ही केस में क्या होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। या तो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए, इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज, एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, उसमें या तो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाए या इंसुलिन यहां पर काम ही ना करे, या तो इंसुलिन बेकार हो जाए या बनना बंद हो जाए। दोनों ही केस में ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा। जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा और सेल के अंदर ग्लूकोज जा नहीं रहा है तो सेल स्टार होगा। स्टार मतलब सेल को बहुत भूख लगेगा और सेल फिर ग्लूकोज को छोड़ के बाकी और चीज को कंज्यूम करना चालू करेगा तो बॉडी में पॉइजन बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, बॉडी में भूख आपको बहुत लगेगा, पॉलीफेजिया। तो डायबिटिक पेशेंट को भूख बहुत लगती है, पॉलीफेजिया। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज खाना तो वो खा रहा है लेकिन वो खाना सेल तक पहुंच नहीं रहा है तो बॉडी को हमेशा भूख लगते रहेगा। ठीक है, और बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगा उसे बोलते हैं पॉली ग्लाइकोस यूरिया। और इतना ग्लूकोज बढ़ जाएगा कि यूरिन में ग्लूकोज पास आउट होने लगेगा। नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है पर इस कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये हो गया। और जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो हीलिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाती है। हीलिंग मतलब कहीं किसी को चोट लग गया तो वो हील मतलब ठीक होता है और एक पर्टिकुलर टाइम होता है चोट का, चोट को ठीक होने में लगता है 5 से 6 दिन या 4 से 5 दिन। डायबिटीज में क्या होता है, वो चोट जल्दी ठीक नहीं होता है तो बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये हो गया डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज इंसिपिडस में मैंने आपको बताया क्या होता है कि एक हार्मोन होता है जो कि यूरिन
जो बनता है किडनी में उससे पानी को वापस सोख लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि वो हार्मोन काम करना बंद कर देता है, तो यूरिन में वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में पास होता है, तो बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, जिसके कारण बार बार प्यास लगती है, ठीक है। और वाटर इतना ज्यादा लॉस होता है बॉडी से, तो वाटर की कमी रहेगी और बार बार प्यास लगेगी। तो हमने इस लेक्चर में इंफेक्शियस डिजीजेस पढ़ लिए और नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस भी पढ़ लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।